हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स का न्यू चैप्टर, दैट इज कैपिटल गेन्स। मैं ट्राई करूंगी कि इस चैप्टर के मैं छोटे छोटे वीडियोस आपको प्रोवाइड करूं, जिससे कि पूरा चैप्टर जो है वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा और आपको एग्जाम में हेल्प होगा। तो देखिए, ये जो चैप्टर है आपका कैपिटल गेन्स वाला, जो हमारा सेक्शन होता है, ये स्टार्ट होता है 45 से लेके 55 तक। तो हमें टोटल 11 सेक्शंस जो है वो कवर करने हैं, 45, 46, 47 ऐसे लेके हमें 55 तक। इसके काफी सारे सेक्शंस हैं जो हमें इस कैपिटल गेन्स वाले चैप्टर में पढ़ने हैं। तो आज हम करेंगे सबसे फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट, दैट इज 45 सबसेक्शन 1। तो देखिए, जब भी किसी हेड ऑफ इनकम का जो सबसे फर्स्ट सेक्शन होता है वो हमेशा उसका चार्जिंग सेक्शन होता है। चार्जिंग सेक्शन का मतलब होता है कि ये सेक्शन ये बताता है कि ऐसी इनकम को हम कब टैक्स करेंगे इस हेड के अंदर, यानी कि कब मैं कहूंगी कि आपकी ये वाली इनकम हुई है तो ये कैपिटल गेन में टैक्स होगी, आपकी ये वाली इनकम हुई है तो मैं इसे हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स करूंगी, आपकी ये वाली इनकम है तो मैं इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स करूंगी। तो यानी कि बेसिस ऑफ चार्ज ये बताता है कि हम कब किसी इनकम को किसी पर्टिकुलर हेड में टैक्स करने वाले हैं, हमें कैसे पता चलेगा। यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस है जो बताई गई है, तभी हमारी जो इनकम होगी वो कैपिटल गेन वाले चैप्टर में टैक्सेबल हो जाएगी। तो देखिए क्या कंडीशंस है, तो हमारे पास 5 कंडीशंस है। अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई होती है ऑल टुगेदर, तभी हम उस इनकम को टैक्स करेंगे अंडर द हेड कैपिटल गेन। अब व्हाट आर दोस कंडीशंस? देयर शुड बी अ कैपिटल एसेट। भाई ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट होगी तभी तो आप उसको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा उसके ऊपर। तो सबसे पहले आपके पास कोई कैपिटल एसेट होना चाहिए। इट शुड बी ट्रांसफर्ड बाय द असेसी। आप उसको ट्रांसफर करोगे, देखिए यहाँ पे वर्ड मीन है ट्रांसफर, यहाँ पे सेल नहीं लिखा, तो ध्यान रखना है इसका मीनिंग होता है आगे, व्हाट इज अ ट्रांसफर, तो हम इसकी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आपके पास एक कैपिटल एसेट होना चाहिए जिसको आप ट्रांसफर करेगा कौन? असेसी। असेसी का मतलब कौन होता है? जो टैक्स देने वाला है। तो जब असेसी अपनी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करेगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अब प्रीवियस ईयर पता है आपको जो लास्ट ईयर होता है हमारा, तो अगर कोई असेसी अपने किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करता है प्रीवियस ईयर में, तो जो है उस ट्रांसफर पे जो भी उसको प्रॉफिट या गेन होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड कैपिटल गेन्स में। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद है सच प्रॉफिट और गेन इज नॉट एग्जेम्प्ट। अब देखिए टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन कब टैक्सेबल होगा? अगर वो इन सेक्शंस में एग्जेम्प्ट नहीं है। तो ये सारी जो है आपके सेक्शंस की एग्जेम्प्शंस है, सेक्शन 54, 54B, D, E, C, तो ये सारी एग्जेम्प्शंस जो हम आगे वाले वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अगर आप किसी कैपिटल एसेट को असेसी ट्रांसफर करता है प्रीवियस ईयर में, अगर वो और वह एग्जेम्प्ट नहीं है इन सेक्शंस के अंदर, तो जो भी उसको प्रॉफिट या गेन होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड कैपिटल गेन्स वाले चैप्टर में। अब देखिए उसके बाद आता है, ये तो हो गया उसका चार्जिंग सेक्शन जो हमें किस में पढ़ा हमने, सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 के अंदर। इसके बाद हमें कैपिटल एसेट का मतलब पता होना चाहिए, व्हाट इज अ कैपिटल एसेट, तभी तो हम उस पर टैक्स लगाएंगे। तो कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है? कैपिटल एसेट का जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन सॉरी क्लॉज 14। अब आपने ध्यान रखना है जो भी हमारा सेक्शन 2 है, ये सेक्शन पूरा का पूरा डेफिनेशन से रिलेटेड है। डेफिनेशन से रिलेटेड मतलब कि ये सेक्शन हमें ये बताएगा कि इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है, ऑफिसर का मतलब क्या होता है, असेसी का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है। तो काफी सारी जो डेफिनेशन हम यूज करते हैं, उन सबकी जो डेफिनेशन है वो हमें सेक्शन 2 में बताई गई है। तो जब भी आप किसी चीज की डेफिनेशन लर्न करेंगे, चाहे असेसी, असेसमेंट ईयर, किसी की भी आप डेफिनेशन देखेंगे तो वो हमें सेक्शन 2 में देखने के लिए मिलेगी, सिवाय प्रीवियस ईयर को छोड़ के। प्रीवियस ईयर की जो डेफिनेशन है वो हमें सेक्शन 3 में बताई गई है, बाकी सबकी डेफिनेशन हमें सेक्शन 2 में बताई गई है। अब कैपिटल एसेट सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। अब काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे डाउट होते हैं कि मैम हम सेक्शन 14 कैसे याद करें, ये जो क्लॉज 14 है हम इसे कैसे लर्न करें कि 14 है। तो देखिए यहाँ पे वर्ड क्या है, कैपिटल एसेट। 2 आपको याद रहेगा क्योंकि डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन कहाँ पे बताई गई है? सेक्शन 2 के अंदर। अब ये क्लॉज 14 कैसे याद रखें? तो देखिए मैं इसको कैसे याद रखती हूँ, आप सबको पता है कि हमें 14 फेब को जो है वो वैलेंटाइन मनाते हैं, सबके सब वैलेंटाइन मनाते हैं 14 फेब को, जिनके पास कोई होता है उनके लिए। तो 14 फेब का आपने रिवर्स कर देना है, यहाँ पे 14 जो है वो बाद में हो जाएगा, 2 पहले आ जाएगा। तो 14 फेब को सब लोग जो है वो अपने गिफ्ट देते हैं, सब लोग अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड्स को जो है वो रोज देते हैं, कोई ग्रीटिंग कार्ड देता है, यानी कि आप कोई एसेट अपने पार्टनर को दे रहे हो। तो जब आप कोई एसेट अपने पार्टनर को दे रहे हो तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट हो जाएगा। मैंने तो इस तरीके से लर्न किया था कैपिटल एसेट कौन से सेक्शन के अंदर आते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 14। और मुझे आज तक ये सेक्शन का जो आज तक मुझे ये सेक्शन याद है कि मैं कौन से क्लॉज के अंदर आता है। अब बात करते हैं कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है।
कैपिटल एसेट कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, यानी कि कैपिटल एसेट कोई भी तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती है, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, चाहे वो मूव ना करती हो, चाहे वो आपको दिखती हो ना दिखती हो, इनटेंजिबल हो, फिक्स्ड हो, सर्कुलेटिंग हो, कुछ भी हो सकता है. इट मे ऑल्सो इंक्लूड शेयर ऑफ अ पार्टनर इन अ फर्म. चाहे आप किसी फर्म के पार्टनर ही क्यों ना हो, तो आपका जो भी शेयर है वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट हो जाएगा. या फिर आपके पास लीज के होल्डिंग राइट्स क्यों ना हो. तो यानी कि कैपिटल एसेट का मतलब होता है किसी भी तरीके की एसेट जो आपके पास है, हम उसे कैपिटल एसेट बोलते हैं. उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है, ऑल सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई व्हिच हैज इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन इन अकॉर्डेंस विद द सेबी. अब देखिए होता क्या था कि इंडिया चाहता है कि बाहर के जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो इंडिया में आए और इंडिया में आके हमारी सिक्योरिटीज को परचेज करे. अब ये जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते थे, ये इंडिया की जब सिक्योरिटीज को खरीदते थे, और क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इनका रोज का काम होता है सिक्योरिटीज को बाय करना एंड सेल करना. तो जब भी वो इंडिया की सिक्योरिटीज को बाय करते थे और उसको सेल करते थे, तो हम उन्हें कहते थे कि ये आपकी बिजनेस की इनकम है, तो ये पीजीबीपी इनकम है, क्योंकि ये तो आपका रोज का काम है. तो आपका जो भी आपको प्रॉफिट होगा शेयर्स को सेल करने पे, सिक्योरिटीज को सेल करने पे, हम उसे पीजीबीपी में टैक्स करेंगे. अब पीजीबीपी में आपको पता है कि जो स्लैब रेट होता है उसी के अकॉर्डिंग टैक्स होता है. अब ये लोग कहते थे कि अगर आपने हमें इंडिया में बुलाया है कि इंडिया में आके हमारा जो है सिक्योरिटीज परचेज करो, और आप हमारी इनकम को पीजीबीपी मान के टैक्स कर रहे हो, तो भैया हमें इंडिया में नहीं लगाना, हमें अपना पैसा इंडिया की सिक्योरिटीज में नहीं लगाना. तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, हम अपना एक प्रोविजन डाल देते हैं. हम क्या कहते हैं कि अगर बाहर से कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में आके इंडिया की सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं और उन्हें कोई प्रॉफिट या गेन होता है उन शेयर्स को सेल करने पे, तो हम उसे कैपिटल एसेट मानेंगे और हम उसके ऊपर कैपिटल गेन लगाएंगे. आपको पता है अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो 15% की रेट से टैक्स होता है, और अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो वो 10% की रेट से टैक्स हो जाएगा. 10% की रेट से टैक्स हो जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%. तो उन्हें यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा. अगर हम उन्हें बेनिफिट देंगे तभी तो वो इंडिया में आके अपनी सिक्योरिटीज को, हमारी सिक्योरिटीज को परचेज करेंगे. तो इसीलिए हमने स्पेशल ये प्रोविजन डाल दिया कि अगर बाहर से कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया की सिक्योरिटीज को बाय करता है तो वो अपने पास रखता है उन्हें, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट कैसे किया है, हमारे सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उन सिक्योरिटीज को हम कैपिटल एसेट मान लेंगे. और कैपिटल एसेट मान लेंगे तो जब भी वो उसको सेल करेंगे और उन्हें प्रॉफिट अराइज होगा तो हम उसे कैपिटल गेन में टैक्स करेंगे, ना कि पीजीबीपी में. सो आई होप दीज टू पॉइंट्स आर क्लियर टू यू. नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्शंस का. एक्सेप्शंस मतलब कि ऐसे कुछ कैपिटल एसेट है जिन्हें हम कैपिटल एसेट बोलेंगे ही नहीं. तो ऐसी कौन सी एसेट्स है जिन्हें हम कैपिटल एसेट जो है वो नहीं मानते. अगर आप इन सिक्योरिटीज को या इन आइटम्स को अगर आप सेल करते हैं तो हम उन्हें कैपिटल एसेट नहीं मानने वाले, और उसके ऊपर आपका कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा. तो सबसे पहला स्टॉक इन ट्रेड. अब एक बात बताइए, अगर आपके पास कोई सिक्योरिटीज है, कोई भी एसेट है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, और आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है. स्टॉक इन ट्रेड मतलब कि आप उसको डेली खरीदते हैं, डेली सेल करते हैं, वो आपका बिजनेस है, तो वो कैपिटल गेन में टैक्स होगा या पीजीबीपी में टैक्स होगा? डेफिनेटली पीजीबीपी में टैक्स होगा. तो यहाँ इसीलिए उन्होंने एक्सेप्शन में डाल दिया कि अगर आपके पास कोई भी तरीके का स्टॉक इन ट्रेड है, या फिर आपके पास कंज्यूमर स्टोर्स है, या फिर रॉ मटेरियल है जो आपने किसके लिए रखा हुआ है, अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, सो डेफिनेटली अगर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए वो यूज होने वाला है तो वो स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा. और स्टॉक इन ट्रेड कहाँ पे टैक्स होता है? हमारा पीजीबीपी में टैक्स होता है, कैपिटल गेन में टैक्स नहीं होता. तो इसीलिए हमने उसको एक्सेप्शन में डाल दिया कि आपकी जो भी आपका स्टॉक इन ट्रेड होगा वो कैपिटल एसेट नहीं होगा, और कैपिटल एसेट नहीं है तो इसलिए कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, बाकी पीजीबीपी में तो टैक्सेबल होगा. इसके बाद है पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ दी एसेसी मूवेबल प्रॉपर्टी. अब देखिए उन्होंने यहाँ पे वर्ड डाल दिया मूवेबल प्रॉपर्टी, उन्होंने इमूवेबल नहीं डाला. डेफिनेटली आपको पता है कि लैंड एंड बिल्डिंग को जब भी हम सेल करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम हायर प्राइस पे ही सेल करते हैं, तो डेफिनेटली हमें कैपिटल गेन होने वाला है. जब हमें प्रॉफिट होगा तो हमें उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा. तो यहाँ पे उन्होंने डाल दिया मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव कर सकती है और हमारे वो पर्सनल इफेक्ट की आइटम है, जैसे कि वियरिंग अपैरल, फर्नीचर, बिल्ड, हमारे पास फर्नीचर हो गया, कोई भी चीज ऐसी जिसको हम अपने पर्सनल यूज के लिए रखा है या फिर हमारी फैमिली मेंबर्स उसे यूज कर रही है जो हम पे डिपेंड करती है. अब एक बात बताइए, अगर आप कोई लैपटॉप लेकर आए, मान लीजिए कि आप 40,000 रुपीज का लैपटॉप लेके आए, ठीक है, एक साल आपने उसको यूज किया और आपने उसको सेल किया,
सो डेफिनेटली आप जब उसको सेल करोगे तो मान लेते हैं कि 30,000 पे सेल किया, तो क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है, क्योंकि जब भी हमारी मूवेबल आइटम होती है हम उसे सेल करते हैं तो वो कम प्राइस पे सेल होती है। तो 40,000 पे मैंने बाय किया था तो मैंने उसे 30 पे सेल किया, तो मैं तो कहूँगी सर मुझे कैपिटल लॉस हो रहा है। तो कैपिटल लॉस है तो भैया आप मुझे एग्जेम्पशन दो, भैया आप उसे सेट ऑफ करो मेरी इनकम के साथ, अदर इनकम के साथ। तो इसलिए उन्होंने इसको एक्सेप्शन में डाल दिया, क्योंकि उन्हें पता है अगर तो लैंड और बिल्डिंग होता तो डेफिनेटली हायर प्राइस पे सेल होने वाला है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे स्पेशल वर्ड डाल दिया कि अगर आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी है और आप उसे सेल कर रहे हो तो भैया इनको तो कैपिटल लॉस ही होने वाला है, तो इसलिए उसको एक्सेप्शन में डाल दो, हमें इनको सेट ऑफ नहीं करने देना। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो मूवेबल प्रॉपर्टी है असेसी की है, जिसको वो यूज करता है या फिर उसकी फैमिली मेंबर्स यूज करते हैं, तो वो कैपिटल एसेट नहीं होगा। अब इन्हें पता है कि कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो मूवेबल तो होती है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो हायर प्राइस पर ही सेल होती है, तो भैया हम अपना टैक्स यहाँ पर क्यों छोड़े। तो उन्होंने इसकी भी एक्सेप्शन डाल दी कि मूवेबल में से ये वाली आइटम्स को छोड़ के बाकी आइटम्स आपकी कैपिटल एसेट हो जाएंगी। अब देखिए कौन सी आइटम्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन जो हमारी पुरानी पुरानी आइटम्स होती है, पेंटिंग्स किसी खास पर्सन की पेंटिंग है, वर्क ऑफ आर्ट आपका कोई पीस ऑफ वर्क है, ड्रॉइंग्स है किसी बड़े आर्टिस्ट की, स्कल्पचर्स है, ज्वेलरी है, ये सारी वो आइटम्स है जो मूवेबल तो है, जिन्हें असेसी खुद यूज करता है अपने घर में लगाता है, लेकिन इनका जो प्राइस है ओवर द टाइम वो इंक्रीज होता है। तो अगर आप किसी ड्रॉइंग को खरीद के लाए या किसी आर्कोलॉजिकल कलेक्शन को आपने जो है वो 1 लाख रुपए में खरीदा था और अब आप उसको सेल करते हैं, कोई पर्सन आता है आपने उसको सेल किया, आपने उसे बोला कि भैया मैं तो 5 लाख रुपीज का दूंगा, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट होगा, कैपिटल गेन होगा, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं 1 लाख की जो है वो ड्राइंग लेकर आया था एमएफ हुसैन के रबे पे काम करो, 1 लाख की लाए थे काम करो, आप मुझसे 50,000 की बाय कर लो, तो हम उसे कम प्राइस पे नहीं बेचते। जो चीज जितनी पुरानी हो जाती है उसका प्राइस उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है इनके केसेस में, बाकी केसेस में नहीं। तो इसीलिए उन्होंने इन चीजों को एक्सेप्शन में डाल दिया कि अगर आप ड्राइंग को सेल करोगे, स्कल्पचर्स को, ज्वेलरी को, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग या फिर वर्क ऑफ आर्ट, अगर आप इनको सेल करते हो तो ये सारी क्या है, कैपिटल एसेट है, और कैपिटल एसेट है तो इन पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। सो इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्शन है। अब देखिए यहाँ पे ज्वेलरी में उन्होंने कुछ डिफाइन किया है। ज्वेलरी में उन्होंने बोला कि ज्वेलरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है जिसको आप पहनते हैं, इट डजंट ओनली इंक्लूड ऑर्नामेंट्स जो कि हम वियर करते हैं। अगर आपने अपने किसी फर्नीचर में भी ज्वेलरी लगवाई है, कुछ लोग देखे होंगे आपने बर्तन जो होते हैं उनके पास सोने के बर्तन होते हैं, चांदी के बर्तन होते हैं, या फिर आपने अपने बेड के अंदर जो है वो कुछ ऐसे बीट्स लगवा रखे हैं जो डायमंड्स के हैं, या फिर आपने कोई प्रीशियस स्टोन लगवाया हुआ है, या फिर आप कोई कपड़ा ऐसा पहन रखा है, आपने कोई ऐसा ड्रेस पहन रखी है जिसमें आपने सोने के जो बटन्स हैं वो लगवा रखे हैं, तो ज्वेलरी जो होती है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जरूरी नहीं कि जो आप पहनेंगे ऑर्नामेंट्स ही होना चाहिए। तो ज्वेलरी हैज अ वाइडर टर्म, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है इसका मीनिंग जो है वो बहुत ज्यादा वाइड लिखा है उन्होंने। तो ये नहीं कहेंगे कि सही अब ये पहनने वाली ज्वेलरी नहीं है, ये तो मैंने अपने बेड में लगवा रखी है। तो अगर आपके बेड में भी अगर आपने ज्वेलरी लगवा रखी है तो जब आप बेड को सेल करेंगे तो आपका कैपिटल एसेट हो जाएगा। नेक्स्ट है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, ऐसी लैंड जो कि इंडिया में तो है लेकिन वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है। तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को अगर आप सेल करते हो तो उसके ऊपर आपको कोई भी तरीके का टैक्स नहीं देना, तो अगर आपको प्रॉफिट भी हो रहा है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को डिफाइन कर, लेकिन उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे कि अगर आपके पास इंडिया में कोई रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है तो अगर आप उस लैंड को सेल करते हो तो कोई भी आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि दिस एसेट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट नहीं है तो इसलिए कैपिटल गेन नहीं लगने वाला। इसके बाद है 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स 1977, 7% गोल्ड बॉन्ड्स या फिर 1980 या फिर नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स 1980 इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो काफी सारी स्कीम्स लेकर आती थी हमारे गोल्ड बॉन्ड्स को लेकर, तो पहले 6.5% था, फिर 7%, फिर नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोग हैं वो हमारी इन स्कीम्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें, तो गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव देने के लिए क्या बोलती थी कि आप हमारी इन स्कीम्स में पैसा लगाओ,
आपको जो भी, जब भी मैच्योरिटी पे हम आपका पैसा वापस करेंगे तो आपको कोई भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। तो मान लीजिए कि मैंने गवर्नमेंट के जो है वो गोल्ड बॉन्ड्स में पैसा लगाया, तो मैंने जो है 1,000 रुपीज के गोल्ड बॉन्ड्स खरीद लिए गवर्नमेंट के, और जब मैच्योरिटी आती है तो गवर्नमेंट ने मुझे बोला कि मैं आपको 10,000 रुपीज दूंगी मैच्योरिटी पर, यानी कि 8 साल बाद मैं आपको मैच्योरिटी पे 10,000 दूंगी। तो मुझे लगता था कि यार 1,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगी, 10,000 रुपये पे मैं सेल करूंगी, सो डेफिनेटली 9,000 का मेरा जो है वो टैक्स लगने वाला है। इंडेक्सेशन हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मुझे टैक्स तो लगेगा। तो गवर्नमेंट लोगों को इंसेंटिव देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसको बोला कि ये जो अगर आप मेरी इन स्कीम्स में पैसा लगाते हो तो ये आपके लिए कैपिटल एसेट नहीं होगा। कैपिटल एसेट नहीं है इसलिए मैं इसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाऊंगा, नो कैपिटल गेन टैक्स। तो इसलिए उन्होंने एक्सेप्शन में डाल दिया कि दीज, अगर आपके पास ये सारे बॉन्ड्स हैं तो ये कैपिटल एसेट नहीं है। फिर स्पेशल बियरर बॉन्ड्स 1991, और फिर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स जो कि इस स्कीम के अंदर आते हैं, या फिर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लेकर आए थे, तो उनकी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, तो अगर आप इसमें भी पैसा लगाते हैं तो भी आपके पास ये कैपिटल एसेट नहीं होगा। कैपिटल एसेट नहीं है इसलिए इस पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगने वाला। आई होप आपको कैपिटल गेन की, कैपिटल एसेट्स की जो डेफिनेशन है वो समझ आई होगी, और इसको जो लर्न करने का मेथड मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपने इसको लर्न करना है, 214 को 142 करके याद करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।